कक्षा 9वीं वाले विद्यार्थियों को अध्याय 4 से यहाँ पे आईएमपी प्रश्न बता देता हूँ। तो अध्याय 4 में आपका दिया है वो बहुपद दिया हुआ है, ठीक है। तो बहुपद वाले टॉपिक में देखो ये प्रश्न है, ठीक है। क्या लिखा हो भाई? बहुपद 5x3 घात माइनस 2x2 घात प्लस 3x-2 का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह से रहेगा और एक्स की दो वैल्यू यहाँ पे दिया है, एक है 0 और एक है 1। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाओगे? ऐसे प्रश्नों को बनाने का एक ही तरीका है, आपको ना एक बार एक्स का मान 0 रखना है यहाँ पे, तीनों जगह देखो, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी, यहाँ भी, ठीक है। देखो एक्स का मान 0 रखेंगे तो क्या होगा, देखो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी, ठीक है, तीनों। तो देख लो ये रहा 0 रखा गया है, तो कितना बचा, सिर्फ -2। तो सर जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे जैसे हम 0 रखेंगे तो P0 बराबर -2 प्राप्त हो जाएगा। दूसरी बार क्या करेंगे, एक्स बराबर 1 रखेंगे। तो जैसे ही एक्स बराबर 1 रखेंगे तो देखो यहाँ पे एक्स बराबर 1 रखा है तो 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये -2 और +3 है, ठीक है। इन दोनों को प्लस प्लस वाले को पहले जोड़ दिया जाता है, तो 5 और 3 8, 8 में 2 घटा दो, कितना है, 1 सेकेंड, 5 और 3 8, ठीक है, 8 हो गया। और पीछे में भी -2 है और माइनस माइनस वाले को जोड़ दो तो ये हो जाएगा 8 -4 बराबर 4 बचेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? ऐसे प्रश्नों को ऐसे ही बनाना है और ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आते हैं, ठीक है। आगे देखो, बहुपद पी एक्स बराबर 2x+1 का शून्यांक ज्ञात कीजिए। अब क्या क्या करना है, शून्यांक ज्ञात करना है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाया जाएगा, देखो यहाँ पे एक्स की कोई वैल्यू रखने के लिए नहीं दिया है, ठीक है, कुछ भी नहीं दिया है। तो आपको क्या करना है, ये जो पी एक्स होता है ना इसको आपको शून्य मान लेना है। क्या मान लेना है, शून्य। जैसे कि यहाँ पे देखो पी एक्स बराबर 0 रखने पर लिखना है आपको, इसके बाद इसके स्थान पे जैसे ही मैंने 0 रखा, इसके बाद देखो इसका सॉल्यूशन खुल गया, ठीक है। अब आसानी से मैं एक्स का मान निकाल सकता हूँ। और शून्यांक ज्ञात करने का मतलब होता है एक्स के वैल्यू निकालना, तो एक्स के वैल्यू अब आसानी से निकल जाएगा। तो ये रहा 2x-1, यहाँ पे 2 जो है गुणा के फॉर्म में, इसलिए तिर्यक गुणा के रूप में नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को बहुत ही बारीकी से समझाया कि ये तिर्यक गुणा कैसे होता है और कब होता है। मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, तिर्यक गुणा जो है या गुणा या भाग के रूप में रहता है तभी होता है। और दूसरा नियम होता है पक्षांतर। अक्सर ना तिर्यक गुणा और पक्षांतर में ना बच्चे जो है गलती करते हैं, तो गलती नहीं करना है। पक्षांतर तब लागू होता है जब कोई मान जोड़ना में हो या घटाने में हो। अगर जोड़ना में नहीं है या घटाने में नहीं है, इसके अलावा गुणा या भाग में है तो तिर्यक गुणा नियम, और जोड़ना और घटाने में है तो पक्षांतर नियम लागू होता है। तो ये किस फॉर्म में, देखो 2 इसके साथ गुणा के रूप में, एक्स के साथ, इसलिए तिर्यक गुणा, मतलब ये गुणा होके कहाँ पे जाएगा, नीचे में आ जाएगा। देखो तिर्यक गुणा ये होता है तिर्यक गुणा। तो पी एक्स का मान क्या प्राप्त हो गया, -1/2, मतलब एक्स की वैल्यू। इसके बाद देखो यहाँ भी वही है, शून्यांक ज्ञात कीजिए, ध्यान देना। 8वां प्रश्न क्या है, शून्यांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो शून्यांक ज्ञात करोगे तो क्या करोगे, इसके मान को 0 रखोगे, 0 रख के हल करोगे तो एक्स का मान कितना आ गया, 2। शून्यांक का मतलब एक्स की वैल्यू ही निकालना होता है। आगे दिखाता हूँ, देखो यहाँ भी शून्यांक ज्ञात करना है। तो ये सब प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोग प्रैक्टिस करना, ये बन जाएगा वो। इसके बाद 10वां देखो, निम्नलिखित बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। यहाँ भी शून्यांक ज्ञात करना है। शून्यांक ज्ञात करना है मतलब क्या करोगे, इसको आपको 0 मानना है, इसको भी आपको 0 मानना है। देखो कई लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स एक्स दिया है, अब आ गया टी, टी दिया है तो क्या सोल्यूशन चेंज होगा, नहीं होगा ना, टी होगा। तो जब एक्स की जगह में टी आया था, मतलब एक्स जहाँ पे है वहां पर टी आया है, तो एक्स पे जब हम 0 मानते थे क्यू टी को, या पी एक्स 0 मानते तो क्यू टी को भी 0 मानेंगे, स्वाभाविक बात है। तो यहाँ पे टी की वैल्यू निकल गया और यहाँ पे एक्स की वैल्यू, सेम सोल्यूशन है, ठीक है। सोल्यूशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा, ठीक है। टी बराबर कितना आ रहा है, 4/3 आ रहा है। चलो नेक्स्ट देखें, शून्यांक समझ में आ गया होगा, अब अगला देखते हैं। देखो ऐसे भी प्रश्न आते हैं, यहाँ पे देखो ये क्या है, प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P-1, P2 का मान ज्ञात कीजिए। अभी हमने ऐसे प्रश्न, मतलब अभी इससे पहले सबसे पहला प्रश्न इससे रिलेटेड ही था, ठीक है। इसमें यहाँ पे क्या कहे, P0, P-1, P2 दिया हुआ है। मतलब क्या है, P0 का मतलब है कि x के वैल्यू को एक बार 0 रखना है, एक बार -1 रखना है और एक बार 2 रख के हल करना है। किसमें, इन तीनों में, सॉरी इन दोनों में, इसमें बारी बारी से पहले पहले वाले प्रश्न में रखना है तीनों बार, ठीक है। तीन बार कौन कौन से, 0, -1 और 2, इसी में रखना है, ठीक है।
तीनों का हो जाएगा, जब आंसर आ जाएगा तो फिर दूसरे में जाएंगे। अब यहाँ पे टी दिया है तो टी देने से कोई मतलब नहीं ना, समझो ये भी एक्स ही है। तो यहाँ पे अब तीन बार इसको भी रखेंगे, एक बार जीरो, एक बार माइनस एक और दो। तो देखो इसका सॉल्यूशन तीन बार रख के किया गया इन्होंने। देखो यहाँ पे सबसे पहले में जीरो रखा है, ये रहा सभी जगह, फिर माइनस एक रखा है, ठीक है, कोई अलग हल नहीं होगा, उसके बाद अंत में दो रखा है, तो इसका तीन उत्तर आ गया। अब दूसरा प्रश्न देखो टी वाला, इसमें भी तीन बार रखा है, सेम है सॉल्यूशन, कोई अंतर नहीं रहता है सॉल्यूशन में, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ये सारे प्रश्न बन जाएंगे, देख लो ये रहा, ठीक है। टी वाले में हल करते हैं तो वही सब चीज रखा गया है, आगे दिखाता हूँ। अब देखो बहुपद 3x3 - x² + 5x - 4 तथा 3x² - 7x + 8 को जोड़िए कह रहा है, ठीक है। जोड़ने के लिए कहा है तो जोड़ना तो सबसे आसान होता है, तो मैं आपको एक ट्रिक सिखा देता हूँ। जब भी जोड़ते हो ना तो देखो घात और घात को सीधे में रखना, ठीक है। तीन घात है, तीन घात वाले इसमें भी देखो है क्या, नहीं है, तो इसको आप जब भी लिखोगे ना क्रम से लिखोगे, तीन घात के बाद दो घात, फिर एक घात, फिर इस तरह से यहाँ पे दो घात, एक घात, ये तो अपने अपने घातों वालों के साथ ही ये हल होगा, ठीक है। कोई बड़े घात या छोटे घात के साथ कभी भी हल नहीं होगा, यही इसका ट्रिक है। तो देखो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, चार आएगा। देखो डायरेक्ट उत्तर चार आ गया, ये माइनस है ये प्लस है, जोड़ेंगे तो -3x आएगा, एक सेकंड कितना है, हाँ 2x, दो आएगा ना, 2x, देखो -2x आया। अब ये माइनस है ये प्लस है, कितना आएगा, यहाँ भी 2x² आएगा, देखो यहाँ पे, और ये इसी के साथ हल नहीं हो रहा है, तो जैसा वैसा यहाँ पे उतार दिया जाएगा। समझ में आ गया, ये सबसे इफेक्टिव प्रश्न है, बहुत से लोगों से नहीं बनता है, जोड़ना ही नहीं आता है, घटाना नहीं आता है। जोड़ना और घटाने का मतलब होता है ऐसे प्रश्न में हमेशा अपने ही सेम घात वाले के साथ ही ये हल होगा और किसी के साथ नहीं। यहाँ पे देखो क्या कह जोड़िए कह रहा है, तो जोड़िए अब समझ में आ गया होगा, दो घात है, दो घात के साथ हल होगा, एक घात के साथ, और ये इसके साथ हल होगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे दो घात है, यहाँ पे एक घात, और यहाँ पे देखो कौन सा घात गायब है, P2 गायब है, तो P2 को ना इसके जब सीधे में लाओगे तो जीरो कर लेना, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, P2 जीरो गुणित P2 रख लेना, तब ये हल हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को वैसे ही बनाया जाता है। चलो आगे दिखाता हूँ, अब क्या कह रहा है, यहाँ पे घटाने के लिए कहा है, वही सेम ट्रिक है, घटाओगे तो भी क्या होगा, घटाओगे तो भी आपको क्या करना है, सेम घात को ही घटाना है, लेकिन घटाने का जब चिन्ह लगाओगे तो मान क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा, याद रखना। ये किस में, देखो प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये माइनस में है, तो चिन्ह क्या हो जाएगा, घटाने पर उसके चिन्ह जो है बदल जाएंगे, इसका चिन्ह हो गया माइनस बन गया, ये भी माइनस क्योंकि प्लस में था, और ये किस में है, माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो अब जब मैं इसको घटा रहा हूं तो इसका प्लस और इसका माइनस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कितना आएगा, 5x² आएगा, देखो आया, इसका माइनस, इसका भी माइनस, दोनों माइनस में इसमें जुड़ जाएगा। ये तो कट गया ना, ये हट गया, ये मत समझना कि ये चिन्ह लेना है, यहाँ पे नीचे वाला चिन्ह लेना है, ठीक है, क्योंकि जैसे ही मैं घटाने का, अगर जोड़ना होता तो कोई दिक्कत नहीं था, घटाने में क्या होता है चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, तो घटाएंगे तो ये चिन्ह देखना है, और ये -6 हो गया, फिर ये माइनस प्लस में क्या आएगा, -5 आ जाएगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। इसके बाद देखो सातवां प्रश्न, मैं थोड़ा थोड़ा ही सोल्यूशन आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने इन सभी टॉपिकों को आप लोगों को पढ़ा दिया है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखो ये वाला है, क्या करना है भाई, घटाना है, तो मैं बार बार वही चीज़ नहीं बताते रहूँगा, समझ में आ गया होगा, घटा देना, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसके बाद देखो छठवां प्रश्न, निम्नलिखित बहुपदों को जोड़िए और जोड़ से प्राप्त बहुपद की घात बताइए। देखो जोड़ना है और घात बताना है, बहुत आसान प्रश्न है। सबसे अधिक घात किसमें है, ये तो ऐसे ही मुझे पता चल रहा है, सबसे अधिक घात दो है, दो से ज़्यादा नहीं है, तो दो इसका घात आ जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है, कितना आएगा घात, दो आ जाएगा, देख लो, ठीक है, जोड़ना है तो जोड़ने पे सिर्फ घात आ जाएगा दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जोड़ लोगे, जोड़ के देखना, जोड़ने वाला तरीका याद होगा आप लोगों को। चलो आगे देखते हैं, देखो यहाँ पे देखो सातवां प्रश्न, इसमें भी क्या कहे, जोड़ने से प्राप्त बहुपदों के घात, तो ये एक दो और तीन, इन तीनों को जोड़ना है। अब मैं जोड़ रहा हूँ तो देखो इसमें तीन घात है, ठीक है, मुझे सिर्फ तीन घात वाले को, मैं बाकी जोड़ने का तरीका आपको पता है ना कैसे जोड़ना है, पहले इन दोनों को जोड़ना फिर अंत में इसको जोड़ना, ये जोड़ना है, इसलिए तीनों को एक साथ भी जोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जोड़ोगे कैसे,
तीन एक्स वर्ग, ठीक है, यहाँ भी वर्ग है और यहाँ पे पाँच, देखो सबसे बड़ा घात क्या है यहाँ पे, तीन घात और इसमें तीन घात, जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे तीन एक्स दो घात बचेगा, ठीक है, तो मतलब तीन घात जहाँ पे आ रहा है ना, इसका मतलब इसका घात तीन ही रहेगा, समझ में आ गया, जोड़ने पे वही आएगा। देखो टोटल हल होने के बाद ये मान आया इसका घात सबसे बड़ा कौन है, सबसे ज्यादा घात किसमें लगा है देखना होता है हमें, तो एक्स में लगा है तीन घात, तो यही इसका उत्तर रहता है घात वाले में। आठवां प्रश्न देखो, ये वाला प्रश्न, इसमें क्या कहा है कि दोनों को जोड़ना है, इसको इसको जोड़ना है और क्या बताना है, घात बताना है, बहुत आसान प्रश्न है, ठीक है, घात आ जाएगा पांच, क्योंकि सबसे बड़ा घात क्या है पांच, हो सकता है सात सात कट रहा होगा, इसलिए देखो सात घात, यहाँ भी सात घात, यहाँ पे माइनस में है ये प्लस में, तो दोनों सेम टू सेम है इसलिए ये कट गया, कटेगा तो एक घात क्या हो गया, दो घात मतलब सात घात खट हट ही गए, बचा है पांच घात, तो इसीलिए घात पांच आया है, घटा के देखना बन जाएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, क्या जोड़े की योग फल x² - x - 4 प्राप्त हो, देखो इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा अलग रहेगा, क्या जोड़े कह रहे हैं ना, तो क्या जोड़ोगे, तो ये वाला जो प्रश्न है, ये प्रश्न है हमारा, इसमें हम जोड़ेंगे किसको, पी एक्स को, किसको जोड़ेंगे पी एक्स को, ठीक है, इसके साथ, और इसको लिखेंगे बराबर के दूसरे साइड, तो पी एक्स का जो मान आएगा वही हमारा उत्तर रहेगा। कैसे हल होगा देखो, मैं अभी जो बता रहा था उसे हल कैसे करना है, देखो ये प्रश्न था, ये रहा दूसरे साइड में मैंने लिखने के लिए बोला, ठीक है, यही चीज हमने किया, पी एक्स को यही साइड में रहने देते हैं और इस वाले मान को पूरा उस पार ले जाते हैं, तो क्या होगा, सब में चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, दूसरे साइड जाने, ये किस, ये क्या है प्लस में है तो उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, ये किस में है माइनस में, उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, और ये प्लस में, ये भी उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब देखो जो जुड़ रहा है उसको जोड़ दो, जो कट रहा है उसको कटा दो, कुछ जुड़ रहा है क्या, तो यहाँ पे देखो एक्स तीन घात कुछ नहीं हो रहा है, जैसा वैसा आपको नीचे में लिख लेना है, ये दोनों जुड़ रहा है तो 4x हो गया, फिर 4x वर्ग हो गया, फिर यहाँ पे -x और ये दोनों घट के -2 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, यही इसका आंसर है। सेम तरीके से इसको भी हल करेंगे, ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, घटाए कि अंतर इतना हो जाए, तो घटाना इस बार, ठीक है, जोड़ना कहता तो यहाँ पे प्लस रहता है और घटाने कह रहा है इसलिए माइनस रहेगा, सॉल्यूशन बाकी वही रहता है, सेम सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कभी चेंज नहीं होता है। निम्नलिखित का गुणा कीजिए, अब गुणा करना है इन दोनों को, गुणा करने का ट्रिक बहुत आसान है, मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है, यहाँ पे बताऊंगा तो और लंबा जाएगा वीडियो, यहाँ पे क्या करें, ये भी गुणा करने के लिए कहा, इसको भी ट्राई कर लेना, ठीक है, यही सब प्रश्न आएंगे एग्जाम में और कुछ नहीं आएगा। देखो एक जोड़ना होगा, गुणा होगा, भाग हो जाएगा, ठीक है, भाग तो नहीं दिया है क्या, जोड़ना गुणा बस दिया है और घटाना दिया हुआ है और कुछ में मान रखने वाला दिया, तो चार ही तो तरीका है, चार तरीका सीख गए, पूरा सॉल्यूशन सीख गए। आगे दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो 13वां, ये भी गुणा करने के लिए कह रहे हैं, ये भी आप बना लोगे, यहाँ पे देखो पी एक्स इंटू क्यू एक्स, मतलब इन दोनों का आपको गुणा करना है, यहाँ भी ये भी बन जाएगा, और कुछ है क्या, देखो यहाँ भी गुणा कह रहे हैं, बार बार गुणा गुणा आ रहा है टॉपिक में, ठीक है, तो यही सब प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो योगफल व अंतर ज्ञात कीजिए कह रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करना है भैया, यहाँ पे योगफल कह रहा है पहले जोड़ना है इन्हीं दोनों को, और अंतर कह रहा है मतलब घटाना है, तो एक बार आपको जोड़ना पड़ेगा, जोड़ोगे तो ये उत्तर आएगा, और अंतर का मतलब घटाना होता है, तो इन्हीं दोनों को क्या करोगे, घटाओगे तो ये उत्तर आ जाएगा। इस तरह से मैंने आपको पूरा सॉल्यूशन बता दिया है, ठीक है, इससे अधिक और प्रश्न नहीं बन रहा है, तो जो प्रश्न बन रहा है उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना आप लोग।